हो जी सेवक ने चरणों में लिजो रे। सेवक ने चरणों में लिजो रे। गुरुदेव महारोड़ो संदेशो महारा गुरु जी ने कहियो, संदेशो मारा गुरुजी ने कही जो। देखिए मित्रों, मैं आपसे एक बहुत एक इतनी स्वाभाविक बात को कहने जा रहा हूं कि हम छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं। आपके हमारे घर में सबके छोटे बालक बच्चे हैं। 5-6 वर्ष की उम्र में वो अपने कि अंगुली पकड़ के उसके साथ घूमते हैं, घूमता है और हर बात को पूछता है। मां बाप दादा दादी परेशान हो जाते हैं उसके सवालों के जवाब देते देते, लेकिन फिर भी वो पूछता है और पूछता ही रहता है कि दादाजी ये क्या है कि ये नीम को पेड़ के, ये क्या है कि ये गाय, ये क्या है कि ये कबूतर, ये क्या है ये घर, ये फला ढिमका। जैसे जैसे आपकी हमारी उम्र सबकी बढ़ती है तो हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती है। जो व्यक्ति जिज्ञासाओं को ढूंढता है, जिसकी भक्ति में जिज्ञासाएं बढ़ जाती है तो वो एक अमरता को प्राप्त करता है, वो भक्ति आध्यात्म की कई सारी बातें सीख जाता है। किसी की विज्ञान में जिज्ञासा बढ़ती है तो साइंटिस्ट बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है। किसी की समाज शास्त्र में राजनीति में जिज्ञासा बढ़ जाती है तो नेता बन जाता है। जैसी जैसी जिज्ञासा आदमी की होती है उन जिज्ञासाओं को पूर्ति करने के लिए आदमी आगे बढ़ता है तो वैसा उसको जगह मिल जाती है। इस दुनिया में सारी बातों का जवाब हमको मिलता है समय अनुसार, सब कुछ सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे जिनके जवाब आपको हमको कभी नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले। और उन जवाबों को, उन प्रश्नों के हल को ढूंढने के लिए भारतीय समाज में, भारत की संस्कृति में गुरु करने की परंपरा है, क्योंकि उन सवालों के जवाब सिर्फ गुरु दे सकते हैं। और इसीलिए पहला प्रश्न क्या है, बोले ओ काया तो देवल माने लागे है पातो। संदेशों
म्हारा गुरु जी ने कही म्हारो रो सुने सो म्हारा गुरु जी ने कही रो गुरु हैं एक बार हाथों को उठा के बताएं। जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ, वो लोग हाथों को उठाएंगे। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोले काया रो देवल, ये जो शरीर रूपी जो ये मंदिर है, ये कच्चा क्यों लगता है? इसका मिटने का भय क्यों है? जो शरीर है इसको, इसका खत्म होने का डर क्यों लगता है हर समय कि ये कभी खत्म हो जाएगा? हे गुरुदेव, गुजरात में संत हुआ संतोजी महाराज, उनकी वाणी है। संतोजी महाराज लिखियो कि कायारो देवल माने लागे है काचो। हे गुरु महाराज, वो जो भय है ये डर खत्म कर दो, साचोड़ो मार्ग बतला दीजो। और दूसरा बड़ा जबरदस्त सवाल है, आप लोग सुनिएगा। हाँ, जो एलईडी में देख रहे हैं वो खुद को देख के राजी भी हो जाइएगा, खुद को आईने में देखने का बड़ा शौक होता है हर आदमी को, होता है, आप भी हो जाइएगा। तो ओ काया तजेने हंसो उड़ी कठे जावे,